नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत शर्मा। प्रजा भलाई संगठन व बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि यह ज्ञापन महामहिम रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भारत को के नाम सौंपा है। प्रजा भलाई संगठन तथा बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस ज्ञापन धरना और प्रदर्शन के माध्यम से पुरजोर मांग करते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर एमएसपी गारंटी का चौथा कानून बनाया जाए। लगभग 40 दिनों से अन्नदाता किसान अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए खुले आसमान के नीचे धरना व प्रदर्शन करने को मजबूर है। केंद्र सरकार अन्नदाता किसानों की मांगों को लगातार अनदेखी करके बहुत बड़ा पाप कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। संगठन और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस ज्ञापन धरना और प्रदर्शन के माध्यम से आपसे पुरजोर मांग करते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी की गारंटी का चौथा कानून बनाया जाए। लगभग 40 दिनों से अन्नदाता किसान अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए खुले आसमान के नीचे धरना और प्रदर्शन करने पर मजबूर है। केंद्र सरकार अन्नदाता किसान की मांगों की लगातार अनदेखी करके बहुत बड़ा पाप कर रही है, महापाप कर रही है। अतः हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि आप हस्तक्षेप करके केंद्र सरकार को निम्न मांग पूरा करने के लिए कहें और निर्देश देने की कृपा करें। नमस्कार। नंबर एक, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। नंबर दो, एमएसपी की गारंटी का चौथा कानून किसानों से विचार विमर्श करके बनाया जाए। नंबर तीन, किसान आंदोलनों और प्रदर्शनों के दौरान किसानों पर बनाए गए सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। नंबर चार, किसान आंदोलन में जान गंवा चुके सभी शहीद किसानों के प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपया तथा सरकारी नौकरी दी जाए। नंबर पाँच, किसानों पर ढाए जा रहे तानाशाही जुलम लाठी आंसू केस के बोलों की कार्रवाइयाँ की जाए। तो हम अब एसडीएम साहब से निवेदन करते हैं कि प्रजा भलाई संगठन के और बहुजन समाज पार्टी के ये कार्यकर्ता आपको ज्ञापन देने के लिए आए हैं, आपके ऑफिस के सामने खड़े हैं। आपसे निवेदन है कि इनका ज्ञापन ले लीजिए और माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन भेजने की कृपा करें, ये हमारी मांग है। हाँ जी, आज आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? आज हम कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन है। 40 दिन तक दिन से किसान अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा है और ये सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार अन्नदाता के साथ बहुत अपमान कर रही है, बहुत बड़ा पाप कर रही है। इसलिए हमारा ये 6 तारीख से लेकर के 26 जनवरी तक जन जागरण अभियान है और इस अभियान के तहत आज से हमने ये शुरू किया है और इस अभियान के तहत जो है ना हर गांव में जाकर के जन जागरण करेंगे, किसानों को लाभबंद करेंगे और अपनी मांगे मनवा करके रहेंगे। इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवा करके रहेंगे, इसलिए हम आज यहां आए।